स्थान पर जाना है, तो जब उनको पता चलेगा ऐसे, तो इस तरह की कैटेगरी बहुत से होंगे। तो मेरा मतलब हाउ एक्चुअली टू नाउ प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स, तो वो भी आ गया कंपोनेंट। वाटर स्पोर्ट्स हम थोड़ा सा अप्लाई करें, वो भी आ गया। वाइल्ड लाइफ का हम करें, आई हैव सीन इन अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज, खूबसूरत भी रहता है जितना हमारा है, लेकिन आपको जाते ही वो इतनी खूबसूरत गाड़ी में बिठाएगा, हैट पहन करके एक अंग्रेज ऐसे ऐसे बोलेगा जैसे लगेगा कि भाई सब सब कुछ है तो यही है, जन्नत कश्मीर नहीं है, यहाँ पे है। सो दैट इसी तरह से हमारे पास हवेली का एक कॉम्पोनेंट है जिसको हम ड्रामेटाइज करें प्रोफेशनल वॉइसेस, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के जरिए। और एक वेलनेस सेंटर है, वो इवन आई कैन हेल्प यू इन डूइंग दैट, आई एम इन टच विद मेनी ऑफ दीस पीपल, जो थोड़ी सोर्स से भी है, वेलनेस सोर्स से, दे विल बी हैप्पी टू अरेंज। केरला वाले हैं, बेंगलोर वाले हैं, तो हमारा फुटफॉल भी बढ़ेगा और हमारी कैटेगरी बढ़ेगी। अब दूसरा है बजट का। बजट का तो हम बात करते हैं, उसमें ऐसे की थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है, देने में भी किल्लत रहेगी, तो ड्यूएबिलिटी का हमने ख्याल रखना है, लेकिन वी हैव टू थिंक बिग। व्हेन वी डोंट थिंक बिग, वी विल एंड अप यू नो कंक्लूडिंग इवन स्मॉलर। मैं इसलिए कह रहा था कि इसमें हम पीपीपी मॉडल और इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग भी करके की सोच सकते हैं। नाउ दैट दी हमारे यहाँ एक और, मैं जो आपको एडवांटेजेस गिना रहा था उसमें एक और एडवांटेज ये होने वाली है मानसर को, कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू दी इंडस्ट्रियल एरिया विच इज डेवलपिंग अलोंग द हाईवे। अब नई इन्वेस्टमेंट होने वाली है, कोरोना की वजह से डिले हो गया, नहीं तो वो जो 25,000 करोड़ के और आउटरीच प्रोग्राम शुरू भी किए थे पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, अब उससे बहुत सी इंडस्ट्री आएगी। इसी सब बात करने की जरूरत है अभी स्टेज पर। पहले उसको हम फॉर्म अप कर लें सर, कि हमने कितना हमको चाहिए और किस हद तक हमने जाना है। तो अगर आप उसके बाद जैसे कि कठुआ में, आई डोंट नो वेदर यू हैव विजिटेड, वो देखने लायक है, बिरला पार्क अभी बनाया हमने, ये पिछले एक साल ही हुआ है। तो उस समय मैंने कुमारा मंगलम बिरला जी से रब्ता किया, तो दे स्पेंड 20 करोड़। दैट पार्क इज बेटर देन योर ग्रीन बेल्ट पार्क ऑफ जम्मू। उसमें फुहारे भी हैं, उसमें ये भी है, झरने भी हैं और शहर का भी है, सब कुछ है। तो इस तरह से जब आप भी बन जाए प्राइसाइजेशन बेस्ड ऑन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज मोर अट्रैक्टिव फॉर अस एंड आल्सो व्हाट इज मोर डूएबल फॉर अस, हो जाएगा सर। देखेंगे, मैं उधर से खुद पुश करूंगा, जरूरत पड़ेगी आपकी इंटरवेंशन लेंगे, और प्राइवेट जो प्लेयर्स का जो इंटरवेंशन है उसको भी हम रिफ्यूज नहीं करेंगे, जैसे आता जाएगा वो भी साथ इंक्लूड डाउटेल करेंगे। 34 मिनट 13 आइटम्स वो देखी हैं जिनमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है, वो सिंपली उनकी रिनोवेशन है। एक्चुअली क्या है, ये एज फार एज डेवलपिंग मानसर बोथ एज ए rejuvenation and the renovation and a beautification spot is concerned, and all those components which we secretary sahab ne bataya tha ki usme winter sports ki bhi hum gunjayish rakhenge, wellness center ki bhi gunjayish rakhenge, wildlife sanctuary ki bhi rakhenge, religious tourism, and it will be a unique spot which would include the religious component as well as the non religious component of attraction for the tourists, as well as jo uska haveli hai that will be put to optimum use through sound and light and other you know means of dramatizing it and projecting it. So thank you.